आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रीडम मूवी के बारे में। भाई प्राइम वीडियो प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ कर दिया गया। ये मूवी सच्ची कहानी पर बनाई गई है। मूवी को गलती से भी फैमिली के साथ मत देखना। अब बात करते हैं ये वाली मूवी कैसी होने वाली है। इस मूवी में कहानी देखने को मिलती है भाई एक ब्रूनो नाम के बंदे पर, जो कि भाई छोटी मोटी चोरियाँ करता है, मार्केट वगैरह से कभी ज्वेलरी वगैरह चुरा लेता है। और इसी के दौरान क्या होता है कि इसके पीछे एक जॉर्ज नाम का पुलिस ऑफिसर पड़ जाता है। तो ऐसा ही होता है कि भाई कभी वो इसको पकड़ देता है, ये छूट जाता है, तो ये बिल्ली चूहे वाला खेल चलता रहता है। लेकिन अब ब्रूनो है कुछ और क्राइम्स में पड़ जाता है। लेकिन ब्रूनो का एक असूल है भाई कि जो कि गोलीबारी है या किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं है। इसके बाद कहानी में क्या कुछ होगा उसी चीज़ को जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ता है। देखो बॉस, मूवी को स्टार्ट करते हो ना, मूवी का जो कि पहला एक्ट देखने को मिलता है वो काफ़ी तगड़ा बनाया गया है। यानी कि मूवी आपको अपने साथ कनेक्ट कर लेती है और आपको ऐसा फील होता है कि भाई मूवी बहुत ही कमाल होने वाली है। तो ऐसा ही फील हो रहा था, यानी कि आप ब्रूनो नाम के करेक्टर से जुड़ जाते हो जो कि उसकी जर्नी होती है। लेकिन जो कि भाई मूवी का दरमियान का हिस्सा है ना, सेकंड एक्ट है, उसमें ये आपको इस मूवी की जो कि लेंथ है वो फील होती है कि आपको ऐसा ही लगता है कि ऐसे ही टाइम को खींचा जा रहा है। यानी कि आपको कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती। और जो कि मूवी का थर्ड एक्ट है, एंडिंग मूवी की देखने मिलती है, वो कुछ गुजारा कर जाती है। यानी कि एक्टर्स ने पूरा दम लगाया है, जो रिसोर्सेज उन्हें दिए गए हैं उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी की है। ब्रूनो नाम का बंदा भाई वो इसको एक आर्ट समझता है, चोरी वगैरह को, कि भाई मैं एक आर्टिस्ट हूँ जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ। और देखो भाई जॉर्ज नाम का पुलिस ऑफिसर देखने को मिलता है, तो उसको भाई चेज़ करना काफ़ी पसंद है, यानी कि इसका पीछा करना और इसको पकड़ना। तो ये चूही बिल्ली वाला ही खेल पूरी मूवी में चलता रहता है। ब्रूनो की गर्लफ्रेंड एनी होती है, तो भाई इनका जो कि केमिस्ट्री आपको देखने को मिलती है ये काफ़ी अच्छी बनाई गई है। तो ये जो लव वाला एंगल है ये भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। बाकी जो कि भाई ब्रूनो की एक्टिंग परफॉर्मेंस है, जो चीज़ें चलती हैं, तो वो आपको काफ़ी पसंद आएंगी। लेकिन इस मूवी को देखने के लिए आपके जहन में एक्शन वगैरह और जो कि थ्रिल वगैरह वाली चीज़ें हैं वो इस मूवी में बिल्कुल भी आपको देखने को मिलेंगी नहीं। इस मूवी में जस्ट आपको एक ड्रामा टाइप मूवी देखने को मिलती है। मूवी की लेंथ 2 घंटे है, तो वो आपको काफ़ी फील होती है। तो इस मूवी को एक बार देखा जा सकता है, लेकिन ऐसी मूवी नहीं है कि आप भाई इसको याद कर सकें, देखने के बाद आपके जहन पर छाप छोड़ जाए, ऐसी वाली ये मूवी बिल्कुल नहीं है। तो अगर मुझे इस मूवी को रेटिंग देनी हो 5 में से, तो 3 रेटिंग दूंगा। वीडियो करते हैं पर खत्म। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।